विपक्षी गठबंधन INDIA के 21 नेता आज मणिपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। दो दिन के दौरे में विपक्षी नेता हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। जमीनी स्थिति का आकलन किया जाएगा और इसके बाद समस्या के समाधान को लेकर सरकार और संसद को अवगत कराया जाएगा, ये विपक्ष का कहना है। तो एयरपोर्ट पहुंचे हैं विपक्षी गठबंधन INDIA के 21 नेता। हालांकि सरकार कह रही है, भारत सरकार, केंद्र सरकार, प्रहलाद जोशी कह रहे थे कि उनको जाना है मणिपुर तो दौरा करें, लेकिन असल ग्राउंड रिपोर्ट संसद में ही पेश करनी है और देखा जाएगा कि वो कहां तक जा सकते हैं। तो 21 सांसद जो विपक्षी एकता का गठबंधन है INDIA, उसके 21 सांसद मणिपुर के लिए रवाना हो रहे हैं और एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं ये सांसद सभी। और ऐसे एक नेता जयंत चौधरी, उनसे बातचीत की है आज तक की टीम ने, हमारे संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ RLD क्लीयर जयंत चौधरी जुड़ रहे हैं। सर, आप लोग मणिपुर जा रहे हैं, इसके पहले भी हमने देखा है कि होम मिनिस्टर 3 दिन गुजार के आए हैं, उसके बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं। गृह मंत्री वहाँ गए और शायद उनको खुद नहीं मालूम था कि 4 मई की क्या घटनाएं हुई हैं, क्योंकि जो बाद में वीडियो आई है और उसके बाद जिस तरह से हड़कंप मच गया और वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा ये अकेली लौती वीडियो नहीं है, ऐसी तो 100 ही घटनाएं हमारे हो गई हैं। तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि गृहमंत्री वहाँ गए हैं तो उन्होंने क्या वहाँ किया, क्या निर्देश दिए, क्या वहाँ स्थितियों का जायजा लिया। वहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, संवैधानिक एक संकट खड़ा हो गया है। अगर आप राज्यपाल के खुद के वक्तव्य को देखेंगे तो राष्ट्रपति को भी उसका संज्ञान लेना चाहिए और केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि वहां की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, लेकिन हम लोग जा रहे हैं वहां और मिलेंगे जो वहां लोग हैं, जो पीड़ित हैं। सवाल है कि लोगों में आस्था बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग अब होपलेस हो चुके हैं, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन के लीडर्स जाने पे कोई असर होगा लोगों को, कुछ सहानुभूति, होप, एनीथिंग? लोग वहाँ कैंपों में रह रहे हैं, उनको नहीं मालूम उनका कल कैसा होगा और पूरा अतीत, पूरा अपना जो उनकी पहचान जिससे जुड़ी हुई है, उनका परिवार, उनका घर, सब कुछ छोड़ के वहाँ लोग रह रहे हैं, तो जब उनके बीच जाएंगे तो असर होगा। अर्व जी, आप लोग आज जा रहे हैं सारे लोग मणिपुर, आपको लगता है कि इससे कोई सिचुएशन में सुधार? देखिए, हम मणिपुर के लोगों से मिलने जा रहे हैं, उनके मन में जो चिंताएं हैं, डर है, उसको आने वाले समय में लोकसभा राज्यसभा में व्यक्त करेंगे। उनकी क्या इच्छा है वो जानने के लिए हम उनके पास जा रहे हैं। आज भी लोग मर रहे हैं, ये सच्चाई को भाजपा छुपाना चाहती है। जो दल राष्ट्रवाद की बात करती है वो सिर्फ सत्तावाद पर विश्वास करती है। आज मणिपुर की अखंडता को उन्होंने अपने सत्तावाद के लिए बलि पर चढ़ा दिया है। चलिए इस खबर पर और अपडेट आप सभी तक पहुंचाते हैं। श्रेया चटर्जी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्रेया, 21 सांसद पहुंचने वाले थे, क्या वो 21 सांसद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं सभी के सभी, और क्या तस्वीरें हैं और बड़ी बात क्या है? क्योंकि जयंत चौधरी को हमने सुन लिया, दूसरे नेता क्या कह रहे हैं, लेकिन और महत्वपूर्ण क्या तस्वीरें आपको निकलकर सामने आ रही हैं? जी आशुतोष, देखिए मैं अभी एयरपोर्ट में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अरविंद सावंत जी भी आ चुके हैं और ऐसे जो भी अन्य और नेता थे वो एक एक करके अंदर जा चुके हैं। 8:55 की फ्लाइट से वो इम्फाल पहुंचेंगे 12 बजे के करीब, और उसके बाद पहले वो जो ईस्ट हिल एरियाज है वहां विजिट करेंगे। तो उनका पूरा प्लान है 2 दिन का। हालांकि ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां की स्थिति के हिसाब से क्या उनको ये परमिशन दिया जाता है। पिछले बार अगर राहुल गांधी की विजिट की आप बात करें तो उनको परमिशन नहीं दिया गया था, तो हमने सवाल पूछे नेताओं से कि अगर उनको परमिट नहीं किया गया तो वो क्या करेंगे। उनका ये कहना है कि कोई परमिशन ना भी मिली तो हम सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करेंगे, हम गवर्नर से बात करना चाहते हैं वहां के हालात क्या है, और वो पूरा ग्राउंड सिचुएशन असेस करने के बाद हम सांसद में ये सच्चाई लाएंगे लोगों के सामने, क्योंकि जो ऑपोजिशन है उनके हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और बार बार जो वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आके स्टेटमेंट दे, तो इसी जिद पे वो अड़े हुए हैं। और यही बात उनका कहना है, आप देख सकते हैं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी अभी पहुंच चुके हैं, हम उनसे बात।
मणिपुर की स्थिति बिगड़ के जा रहे हैं सब जानते हैं। लेकिन थोड़ा दूर रखो ना, थोड़ा सा दूर रखो। आप लोग आज जा रहे हैं सर, क्या मैसेजिंग है जो अपोजिशन थोड़ा सा इसको दूर रखो सर, थोड़ा सा दूर रखो सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे देश संसद हम जा रहे हैं, दो हिस्से में बटे हुए, हमारी तरफ से जितने रिलीफ कैंप वगैरह है जहां जहां हम जा सकते हैं वहां की सरकार जितने हम इजाजत देंगे जाने के लिए रुकावट ना पैदा करें तो बेहतर है। हम उसी तरह जाना चाहते हैं, स्थिति को जायजा लेना, हालत क्या है इसके जानकारी लेना, ये हमारा मकसद है। साथ साथ एक मिनट, साथ साथ वहाँ शांति और सामंजस्य और सौहार्द की वातावरण पैदा हो। आम लोग पीड़ित है, दुखी है, आम लोगों की कष्ट निवारण करने के लिए सरकार पहल करे और साथ साथ सामान्य स्थिति जल्द से जल्द वहाँ बहाल हो, यही हमारा मकसद है। पीड़ितों को देखभाल किया जाए सही ढंग से, साथ साथ पुनर्वास की इंतजाम भी किए जाना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं हमारे, क्योंकि ये सरकार जिस ढंग से ये मणिपुर के मुद्दे को दिखाना चाहते हैं, ये सिर्फ कानून और स्थिति की मसला नहीं है, ये जाति दंगा है। हिंदुस्तान को आम लोग ये समझना चाहिए, ये जाति दंगा आज तक हिंदुस्तान में इस तरीके के नहीं हुई। ये जाति दंगा को मद्देनजर आज हमें सोचना चाहिए, सारे दुनिया में ये मुद्दे चर्चा में आ गए हैं, सिर्फ कानून और स्थिति बहाना देते हुए ये सरकार मणिपुर की गंभीरता को टालने का कोशिश ना करे तो बेहतर होगी।